नवी मुंबई में मनपा चुनाव से पहले टूट रही आघाड़ी, मजबूत हो रही बीजेपी, गणेश नाई की ओर बढ़ा उत्तर भारतीयों का रुझान। नवी मुंबई मनपा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और शिवसेना में जंग छिड़ी है। बीजेपी का मुकाबला उस शिवसेना से है जो साम दाम दंड भेद अपनाकर मनपा में अपना भगवा लहराना चाहती है। शिवसेना इसके लिए बीजेपी के दर्जनों नगर सेवकों को तोड़कर अपने खेमे में मिला चुकी है, लेकिन इसके जवाब में बीजेपी भी पीछे नहीं है। बेलापुर से सुरेखा नरबागे और घनसौली से प्रशांत पाटिल फैमिली को कमल थमाकर बीजेपी ने शिवसेना के नहले पर दहला जोड़ दिया है। बीजेपी ने दीघा यादव नगर के दबंग नगर सेवक राम आशीष यादव को भी सोमवार को जोर का झटका देते हुए उनके कट्टर समर्थकों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बीजेपी का झंडा थमा दिया। यादव के सहयोगी सुरेश पाल और कांग्रेस के दिग्विजय पाल जैसे उत्तर भारतीय नेताओं के गणेश नाईक के साथ आने से राम आशीष यादव की ताकत कम होती दिख रही है। जाहिर है उत्तर भारतीयों का बीजेपी के साथ आना महाविकास आघाड़ी के लिए भी जोर का झटका है। नवी मुंबई के प्रभारी एडवोकेट आशीष शेलार ने इस पर क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। ये जिस वार्ड का आज पक्ष प्रवेश था, वार्ड क्रमांक 90, उसका इतिहास ये बता रहा है शिवसेना के हमारे साथी शिवसेना छोड़कर भारतीय जनता पक्ष में आए हैं, तो उस वार्ड में शिवसेना का उम्मीदवार होते हुए भी पहले चुनाव में शिवसेना के नेता कांग्रेस का समर्थन करते थे, तो अपने ही पार्टी से दगाबाजी करके कांग्रेस का समर्थन करना, वो लोग आगे बढ़कर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में भारतीय जनता पार्टी से दगाबाजी करके कर दिया है। तो इसका पहला प्रयोग नई मुंबई के वार्ड 90 में हुआ, तो प्रयोगशाला उनकी जरूर हो सकती है एक्सपेरिमेंट, लेकिन इसका खेल खत्म होगा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का अनहोली विश्वासघात की अलायंस के राजनीति का खेल नई मुंबई में खत्म होगा, और दो तृतीयांश वहाँ पर हमारे कॉरपोरेटर हमारे भारतीय जनता पार्टी के गणेश नाईक जी के नेतृत्व में चुनके आएंगे। गौरतलब है कि महाविकास आघाड़ी जहाँ सत्ता के लिए खुद का कुनबा बढ़ाने की कोशिश में जुटी है, वहीं गणेश नाईक सत्ता कायम रखने की जुगत में लगे हैं। यह लड़ाई दो पालक मंत्रियों के वर्चस्व की है जिसने दल बदल को तेज कर दिया है। हालांकि लोक नेता गणेश नाईक का करिश्माई व्यक्तित्व और सबको साथ लेकर चलने की नीति से उत्तर भारती और महाविकास आघाड़ी के असंख्य कार्यकर्ता बीजेपी के समर्थन में आ रहे हैं। प्रभाग 90 के शिवसेना शाखा प्रमुख सागर सिंघाड़े, उप विभाग प्रमुख मनोज शिंदे, आनंद पवार, अखलाक शेख जैसे पदाधिकारी और एनसीपी के असंख्य कार्यकर्ताओं का बीजेपी का दामन थामना इसका ताजा सबूत है। इस पर आशीष शेलार ने कहा कि प्रभाग 90 में बीजेपी उम्मीदवार जीतेगा और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को धोखा देने वालों को सबक सिखाएगा। देखिए, आजकल कुछ लोगों को इंटरनेशनल बातें ही ध्यान में आती है, तो उनको बताना आवश्यक है कि नई मुंबई भी इंटरनेशनल सिटी बन चुकी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, उस हिसाब से इंटरनेशनल लेवल के सुविधाओं का शहर, ये इंटरनेशनल शहर बनाने का सपना भाजपा का। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।